ईडीएम माया सरकार के समय में हुए 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले को लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। इस मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग की तत्कालीन मुख्य अभियंता और वर्तमान में बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम से लेकर इसको पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल त्रिभुवन राम वाराणसी की अजगरा सीट से विधायक हैं। ईडी की जांच में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन प्रमुख अभियंता त्रिभुवन राम की भूमिका संदेह के घेरे में नजर आ रही है। यही वजह है कि उन्हें जांच एजेंसी ने समन भेज दिया है। इसके साथ ही 14 अरब रुपए के घोटाले की जांच कर रही ईडी ने खनन विभाग के तत्कालीन संयुक्त निदेशक और सलाहकार सुहेल अहमद फारूकी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक अभियंता और विधायक दोनों को दीपावली से पहले ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं भाजपा विधायक टी राम ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि वे पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इस प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी संबंधित कमेटी का हिस्सा नहीं थे। मामला अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और सभी की निगाहें ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।